हाँ जा पीछे की तरफ। ओपन पेज नंबर 84। दिस इज योर रिवीजन क्लास ऑफ मैथ। ओके नाइस स्टार्ट, शुरू करें। चलो सभी का, सभी बच्चों का 84 पेज नंबर कंप्लीट है ना ऑलरेडी? चलिए हम एक बार ना इसको रिवाइज करेंगे। गुड मॉर्निंग। चलो अब जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ना, अब उनको गुड मॉर्निंग विश नहीं करना है, सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए वीडियो और ध्यान से सुनिए, ठीक है? चलो यस, नोटबुक में लिखना है अभी बेटा, समझ लो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ लो, उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है लिखने का। चलो चलो पेज नंबर 84 में आपके इसमें बुक में लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन। ओके, एडिशन के साथ हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे वो समझना है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, जब हम लर्न नहीं होगी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फर्स्ट वी नीड टू लर्न टेबल्स। ओके, मीन्स टू से लेकर फाइव तक, सभी बच्चों को फाइव सिक्स तक तो लर्न होनी ही चाहिए। ओके चलिए, जैसे देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है फिल इन नंबर ऑफ इयर रिंग्स, तो आपके पिक्चर्स फर्स्ट में पिक्चर्स बनी हुई है, इयर रिंग्स है जो कान में पहनते हैं ना वो इयर रिंग्स कहलाती है, तो यहाँ पे टू पेयर है इयर रिंग्स के, ठीक है? नंबर ऑफ इयर रिंग्स कितने हैं, टू प्लस टू, कितना हो गया? ये देखिए एडिशन फॉर्म में है, टू प्लस टू मीन्स फोर, एडिशन में टू प्लस टू हो गया फोर। अब इसको अगर हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं मीन्स टू टूज आर, टू वन जार टू होता है, टू टूज आर होता है, टू टूज आर कितना हो गया मीन्स टू टू जो लिखा है वो क्या है, टू का ही लिखा है, टू को इंग्लिश में लिखा गया है और नंबर में टू आता है, तो हम जब जब हम टेबल को लिखते हैं इंग्लिश में या राइटिंग में तो हम ऐसे लिखेंगे वन जार टू जार थ्री जार फोर जार, ठीक है? तो ये क्या है, इंग्लिश में टेबल रीडिंग होता है, तो जैसे टू टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर होता है, सेम आपका होता है जब आप टेबल इंग्लिश में लिखते हैं तो टू टू आर फोर, और जब हम इसी को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है? ये भी मतलब मल्टीप्लाई ही है लेकिन ये क्या है, एक राइटिंग फॉर्म में है, इंग्लिश में जब हम राइटिंग कर रहे हैं, और जब हम टू मल्टीप्लाई बाई टू करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है क्रॉस, सबको पता है? Yes, ma'am. जब हम क्रॉस लगाते हैं या एक्स बनाते हैं तो वो आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, तो जब आप टू को टू बार मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता है, टेबल को रीड करना पड़ता है उतने टाइम, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो टू लिखा है तो हम इस टू को दूसरे वाले टू के तक टेबल को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे टू वन जा टू, वन टाइम हुआ, और टू टू जा टू, दो हो गए ना, हाँ, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सम्स होते हैं, वो किया जाता है। जो नंबर यहाँ पे लिखा है उतने टाइम आपको टेबल रीड करनी है और उतने बार आपको पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो पिक्चर्स इसलिए दी गई है कि आप इजिली समझ जाए चीजें और पिक्चर देख के उसके अकॉर्डिंग नंबर लिख सके, लेकिन हर जगह पिक्चर्स नहीं आती है, सिर्फ नंबर रहते हैं, तो अगर हमको टेबल अच्छे से याद है तो हम इजिली वो चीजें कर लेंगे। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ लीव्स है, नंबर ऑफ लीव्स कितनी कितनी है, थ्री थ्री है ना, तो हम यहाँ पे थ्री प्लस थ्री ऐसे लिखेंगे, उसके बाद टू थ्री चार, अब टू थ्री चार क्यों लिखेंगे, क्योंकि टू क्या है, तीन जो थ्री लिखे हैं वो दो बार लिखे हैं, तो टू ये हो गया, और जो थ्री है वो थ्री आपकी लीव्स है, ठीक है? थ्री लीव्स, और टू जो बोला गया है वो नंबर के लिए बोला गया है, तो हम इसको जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो टू थ्री स्पेलिंग में आर, टू थ्री आर,
उसके बाद मल्टीप्लाई में जब लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट? तो अब हमको एडिशन का करना है. हाँ, तो एडिशन का पहले करेंगे तो एडिशन को तो बहुत आसान है, काउंट करना है हमको अपने हाथ से फिंगर. तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 3 और 3 इज इक्वल टू 6. कितना हो गया? 6. हाँ, हमने यहाँ सिंपल 6 लिख दिया. अब जब स्पेलिंग में ये चीज लिखी है तो 2 3s आर, इसका मतलब है 3s जो लिखा है वो 3 के लिए लिखा है, 2 जो लिखा है जो 3 लिखे गए हैं उसके लिए. कुछ भी करना है? करना सही नहीं है बेटा, सिर्फ समझना है. अभी आप तो कर चुके हैं ना ऑलरेडी, समझना है. तो 2 3s आर, 2 3s आर कितना होता है? मतलब हम 2 के टेबल को 3 टाइम पढ़ेंगे. हाँ, तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ के सुनाओ. 2 1s are 2 2 4 and 2 3s are 6. चलो, तो हम यहाँ पर नंबर है, इस नंबर के बाद जब हमने करेंगे, चाहे हम 3 के टेबल 2 बार पढ़े चाहे 2 के टेबल 3 बार पढ़े, आंसर आपका सेम ही आएगा. ठीक है, लेकिन जो टेबल हमको आसान लगती है पढ़ने में या हमको याद हो उस टाइम पे, तो हम उसका पढ़ सकते हैं. एग्जाम में मान लो आपको ये वाला सम आया कि 2 multiplied by 3 लिखा है, तो आप उसको सॉल्व करके दिखाइए. अब आपको मान लो 3 की टेबल नहीं आती है और आपको 2 की टेबल आती है, तो आप क्या करोगे कि 2 की भी पढ़ सकते हो टेबल. ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जो जो नंबर यहाँ लिखा है और जिसकी टेबल वहां पे आपको आती है, आप उसकी पढ़ के एक दूसरे में काउंट करके आप नंबर लिख दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर सेम आएगा चाहे आप 3 के 2 बार पढ़े चाहे 2 के 3 बार पढ़े. ठीक है, जैसे 2 3s are 6 होता है वैसे 3 2s are 6 होता है ना. तो वहां पे हमें क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, तो हम यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 3 2s are 6. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. इधर 3 नंबर, नंबर ऑफ बनानास, 4 4 बनाना है और एक एक ग्रुप में 4 4 बनाना है ना. तो नंबर ऑफ बनाना कितने हो गए? 12. कितने हो गए? 4 plus 4 plus ग्रुप कितने हैं? कितने बनाना के ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 3 ग्रुप है, है ना. तो हमने इसीलिए यहाँ पे 3 बार 4 लिखा है क्योंकि 3 ग्रुप है और एक एक ग्रुप में 4 4 बनाना है, तो इसलिए 4 जो लिखा हुआ है वो बनाना के लिए लिखा हुआ है. और जितने टाइम बनाना के ग्रुप है वो यहाँ पर 3 टाइम है, तो 3 इसलिए 3 बार 4 लिखा गया है. ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3s are 4 3s are. और जब हम इसको नंबर फॉर्म में करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के नंबर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 4 3 multiply 3 multiply 3 4. यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4s are 3 4s are लिखा है, 3 4s are हम कर दे रहे हैं, बाकी 4 3s are भी हो सकता था. चलो 3 4s are लिख दिया, 3 4s are हो गया. और उससे जब हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो 3 multiply by 4 हो जाएगा. ठीक है, अब हमको ये नंबर फॉर्म में भी सॉल्व करना है, ये वर्ड्स में भी सॉल्व करना है और ये एडिशन में भी सॉल्व करना है. ठीक है, तो बताइए 4 plus 4 plus 4 कितना हो गया? 12. चलो अब 3 4 कितना हुआ? 3 4 4 अच्छा 4 multiply by 3 करो, कितना आएगा? 4 की टेबल आती है. यस मैम. हाँ, 4 2 4 2 8 8 4 3 12 12 मैम.
थ्री के टाइम में भी 12 आया है और 4 के टाइम में भी 12 आया है, दोनों आंसर सेम आए, यही बता रहे हैं। आपको यही समझना है कि जो भी नंबर उस टाइम पे लिखा है, चाहे एग्जाम पेपर हो, चाहे नोटबुक हो, चाहे बोर्ड हो, जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है और जिसकी टेबल आपको वहां पे आ रही है, तो आप किसी की भी पढ़ देना, वहां पे सॉल्व कर देना, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसकी टेबल नहीं आती है तो हम वो क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा नहीं। तो थ्री फोर जार भी 12 होता है, 4 3 जार भी 12 होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 3 × 4 इज इक्वल टू 12। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, अब देखिए हम आपको ना कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं बोर्ड पे, वो आपको अभी नोट डाउन करके और अपने से सॉल्व करके दिखाना है। अभी पूछेंगे क्या आंसर आया। हाँ हाँ, जो भी कॉपी अभी आपके पास है ना उससे कर लो। चलो लिखो यहाँ पे 2 × 4, 2 × 4, 4 × 3, 2 × 5, और 3 × 3। इन्हें सॉल्व करके लिखिए आंसर बगल में, सबको दिख रहा है ना? चलिए हाँ हाँ सॉल्व करिए, सॉल्व जल्दी से। कंप्लीट हो गया मैम। चलो ओके देन, सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए सब इतना ही है। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।